वेलकम टू एशाज यंग आईएएस। पिछले वीडियो में हमने मैथ्स 1 चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को समझा था और इसमें हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कैसे होते। अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का ये आपके पास एक्टिविटी भी है। इसके अंदर वेरिएबल मतलब ये एम और एन, एक्स और वाई, ये वेरिएबल्स है और ये लीनियर होना चाहिए। लीनियर मतलब इसका पावर 1 होना चाहिए। जब कुछ नहीं लिखा होता एम के ऊपर तो पावर 1 है, जैसे एक्स के ऊपर 2 लिखा है तो इसका पावर 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। सेकंड वाला, ये भी एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं है, ये रूट टू भले है लेकिन एक्स के ऊपर पावर नहीं है, तो ये रूट मतलब पावर इज 1/2। तो अगर रूट एक्स होता तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होता। ये भी 1/x है जो पावर एक्स रेस टू माइनस 1 है। तो हाँ, अगर 1/x को हम u या v ले लेते, 1/y को v ले लेते तो ये 4u+5v इज इक्वल टू 4 हो जाता। तो 4u+5v इज इक्वल टू 4 लीनियर इक्वेशन है, पर 4/x + 5/y इज इक्वल टू 4 लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इसमें गलती नहीं करना, यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो अब हमने एक्सरसाइज लास्ट वीडियो आप देख लीजिए, उसके अंदर हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट पार्ट किया था। अब हमको करना है इसका सेकेंड पार्ट। तो हमने सारे एक्सप्लेनेशन वाले सम्स समझे थे, जो सॉल्व एग्जाम्पल्स अगर पेपर के आप वो समझोगे तो आपको टेक्निक आएगा, और टेक्निक आएगा तो आप गलती नहीं करोगे और इजिली पेपर प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे प्रैक्टिस सेट के। तो फर्स्ट वाली एक्टिविटी हमने की थी, अब हमको ये वीडियो में करना है सेकेंड वाले सम्स। तो है क्वेश्चन नंबर 1-8, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो शुरू करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट सम, 3a+5b इज इक्वल्स टू 26, a+5b इज इक्वल्स टू 22। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब ये दो इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल्स, और दो एक साथ लेते हैं तो उनको साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, जब दो इक्वेशंस एक साथ हम लेते हैं तो उनको साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। और यहाँ पे हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है मतलब ए और बी की वैल्यू ढूंढनी है। तो ये दो इक्वेशंस के साथ हम क्या कर सकते हैं, हमको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा कि वो निकल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल मतलब ए और बी, कोएफिशिएंट मतलब उनके आगे जो नंबर लिखा है उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है और 5 है, ये दोनों 5 5 है। तो अगर हम ये दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5b-5b हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ए बचेगा। इसलिए इक्वेशंस को देख के हमने डिसाइड किया कि हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, अब ये सेंटेंस लिखने को भी आना चाहिए, इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम इक्वेशन 1 पहले लिखेंगे और माइनस करके सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, हम इक्वेशन 2। तो मतलब सब्ट्रैक्टिंग का स्टेटमेंट होता है उसके अंदर उल्टा लिखा जाता है, इक्वेशन 1 ऊपर और 2 नीचे, तो हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखते हैं, और लिखते ये ऐसा तरीका है। और सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ बड़ी साइन सब्ट्रैक्शन की डालो और हर एक का साइन चेंज करो। ये ए है मतलब प्लस ए है तो इसको माइनस कर दिया, प्लस 5b है तो उसको माइनस कर दिया, या 22 है तो इसको प्लस भी इसको माइनस कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे मतलब 3a-a मतलब 2a, तो ये यहाँ पे आ गया 2a, प्लस 5b-5b कैंसिल हो गया, और 26-22 मतलब के 4, तो 2a इज इक्वल्स टू 4। तो a is equals to 4/2 मतलब 2 1s are 2, 2 2s are 4 मतलब a is equals to 2। ये आप कैंसिलेशन में यहाँ दिखा सकते हैं। तो अब ये a is equals to 2 को हमको सब्स्टिट्यूट करना है तो हमको b की वैल्यू मिले। अब कौन सी इक्वेशन, हमारे पास दो इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन में हम a is equals to 2 डालेंगे, ये इजी है, यहाँ पे a सिंपली है तो इसमें सेकंड इक्वेशन में हम डाल देंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग a is equals to 2 इन इक्वेशन 2, तो 2 + 5b is equals to 22, 2 को यहाँ ले जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ गया 20, तो 5b is equals to 20, तो ये आ गया b is equals to 20/5 मतलब b is equals to 4। तो सोल्यूशन ऐसे लिखना होता है, सोल्यूशन इज a कॉमा b ब्रैकेट में लिख के इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4, 2, 4। तो ये तरीका है सोल्यूशन लिखने का। तो ये हो गया हमारा पहला सम। तो अब देखते हैं सेकेंड सम, ये है x+7y is equals to 10, 3x-2y is equals to 7। तो अब ये दो इक्वेशंस देखिए हमको क्या, उनके वेरिएबल्स हमको पता चल रहा है, ये एक्स और वाई वेरिएबल्स है और कोएफिशिएंट्स देखने इन वेरिएबल्स के। तो एक्स के आगे आप देख सकते हैं 1 है और ये एक्स के आगे 3 है, तो जो वेरिएबल के आगे कोएफिशिएंट 1 होता है, जहाँ खाली होता है, 1 मतलब कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ एक्स है जैसे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना ईजी हो जाता है। इसलिए जब हम ये दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इन दोनों के कोएफिशिएंट्स को सेम करना है, तो जब हम उनको एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये
वेरिएबल जो है कैंसिल हो जाए, तो एक ही वेरिएबल बचे तो हम उसको सॉल्व कर सके, साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऐसे सॉल्व होते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, तो ये भी 3x बन जाएगा, तो ये हो गया 3x, तो सबको करना होगा, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 7 21, और 10 को भी 3 से करेंगे तो 30, तो ये हमारा नया इक्वेशन बन गया जो हमने 1 को चेंज करके बनाया। तो अब हम 1 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए नहीं देखेंगे अभी फिलहाल, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन के टाइम पर अगर जरूरत है तो देखेंगे। तो हम 3 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो 3 और 2 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 इक्वेशन जो है 3x plus 21y, ये 3x minus 2y है, तो हम बड़े इक्वेशन को जो है ऊपर लिखेंगे, छोटे को नीचे लिखेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, मतलब इक्वेशन 3 ऊपर लिखना है, इक्वेशन 2 नीचे लिखना है। लिखने का तरीका ये है, अगर एडिंग होता है तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्टिंग में इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। जैसे हमारे पास 10 रुपीज है, तो सब्ट्रैक्टिंग 5 रुपीज फ्रॉम 10 रुपीज, तो 5 पहले बोलते हैं ना कि 5 निकाले 10 में से, ऐसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये ऐसे है, तो लिखने के लिए इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 है, पर जब ये हम लिखेंगे इक्वेशन तो 3 ऊपर 2 नीचे, सब्ट्रैक्शन की साइन, और हर के आगे जो है साइन बदल जाएगी। ये 3x प्लस है तो यहाँ माइनस ब्रैकेट में लिख दो, ये माइनस 2 है तो ये प्लस हो जाएगा ये, और ये यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब इन साइंस को देख के सॉल्व करना है, मतलब 3x माइनस 3x कैंसिल हो गया, 21y प्लस 2y, अब माइनस को नहीं, ये वाली साइन देखनी है, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन बदल जाती है, तो 21y प्लस 2y मतलब 23y, और 30 माइनस 7 23, तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल्स टू 23, और ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ डिविजन में चला जाएगा, मतलब 23/23, मतलब ये कैंसिल करके आप लिख सकते हैं 1 1, तो y इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमको y की वैल्यू मिल गई, अब हमको इसको सब्सटीट्यूट करना है x ढूंढने के लिए, तो सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 1 हम इन तीनों इक्वेशंस में से किसी में भी कर सकते हैं। कहाँ पे इजी होगा, ये x की वैल्यू ढूंढनी है, तो यहाँ सिंपल x है, तो अगर y 1 यहाँ डाल देंगे तो इजीली मिल जाएगा, तो सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, 2 में भी कर सकते हैं, जैसे भी करोगे आपको आंसर मिलेगा। तो 3x माइनस 2y यहाँ पे जैसे है, ये 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7 है, यहाँ पे भी करेंगे देखो, अगर y इज इक्वल्स टू 1 करेंगे तो 10 माइनस 7 x3 आ जाएगा, यहाँ पे भी अगर y इज इक्वल्स टू 1 करेंगे तो 3x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 7, तो ये आ गया 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7, 3x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2 9, तो x इज 9 डिवाइड बाई 3 मतलब 3। तो आप देख रहे हैं x इज इक्वल टू 3 यहाँ से भी आता है, और इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करते तो भी आता है, तो आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, दोनों से आंसर आता है, इसमें भी डालोगे तो आएगा, पर 3 में हम अवॉइड करेंगे डालना, क्योंकि ये तो हमने इसी को मल्टीप्लाई करके बनाया है, तो इसमें डालना बेटर होगा, 1 या 2 में से किसी एक में डालेंगे, तो किसी में भी डालोगे तो आंसर आएगा। तो दोनों आ गया, y इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 3, सोल्यूशन लिखने का तरीका ये है, सोल्यूशन इज ब्रैकेट में x कॉमा y इज इक्वल्स टू 3 कॉमा 1, तो ये हो गया हमारा सेकेंड सम। अब देखते हैं थर्ड सम, यहाँ पे इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 30। तो अब यहाँ आप देख रहे हो कि कोएफिशिएंट जो है यहाँ दोनों 2 2 है, तो इजी है, हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, कोएफिशिएंट सेम करने की जरूरत नहीं है, दोनों इक्वेशंस में अभी साइन क्या है, सेम है, ये भी 2x है ये भी 2x है, ऐड करेंगे तो 4x हो जाएगा, तो हमको ऐड नहीं करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है, 2x माइनस 2x करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि ये माइनस 3y है तो यहाँ पे ऐड हो जाता, तो ये देख के हमने, जैसे भी आप करोगे साइन में आएगा डिफरेंस, बाकी सम सेम होगा, इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करो या 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, दोनों में आंसर सेम आएगा, सिर्फ साइन का जो है वो गड़बड़ी होगी, तो हम ऐसे कन्वीनियंस के लिए देख के कर रहे हैं, 2x plus y is equal to 30 ना, ये माइनस 3y यहाँ पे प्लस हो जाने वाला है, तो प्रैक्टिस से आपको ये समझेगा, तो ये प्लस 3y, तो ये देखो 4y हो गया, ये 2x माइनस 2x कैंसिल, और ये y प्लस 3y मतलब 4y, और 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 इज 4, तो 4y इज इक्वल्स टू 4, मतलब y इज इक्वल्स टू 4/4 इज इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू मिल गई। अब ये y की वैल्यू हम सॉल्व सब्सटीट्यूट करेंगे ये इक्वेशन में या ये इक्वेशन में, इजी आपको यहाँ लगेगा क्योंकि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ y इज इक्वल्स टू 1 डाल दिया, जिसमें भी डालोगे आंसर आएगा, तो y इज इक्वल्स टू 1 डाला, 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 13, तो ये प्लस 1 इक्वल टू के ये साइड आएगा तो माइनस बन जाएगा, तो 13 माइनस 1 12, 2x इज इक्वल्स टू 12, और ये 2 मल्टीप्लीकेशन में ये साइड आके डिविजन हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 12/2, दैट इज 2 6 12, आप कैंसिल कर सकते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 6, सोल्यूशन इज x कॉमा y इज इक्वल्स टू 6 कॉमा 1।
तो ये हो गया आपका थर्ड सम। अब देखते हैं फोर्थ सम। यहाँ पे इक्वेशंस है 5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19, m माइनस 6n इज इक्वल्स टू माइनस 7। तो ये दो इक्वेशंस है। अब यहाँ पे हम कोएफिशिएंट्स फिर से देखेंगे वेरिएबल्स के, m और n वेरिएबल्स है। यहाँ पे 5m है, यहाँ कुछ नहीं है, तो इजी है, इसको भी 5 कर देंगे तो हो जाएंगे दोनों सेम वेरिएबल्स कोएफिशिएंट्स। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5, मतलब एंटायर इक्वेशन। तो ये 5m हो जाएगा, तो ये 6 5 30 हो जाएगा, और ये 7 5 35। तो ये बन गया नया इक्वेशन, इक्वेशन 3, 5m माइनस 30n इज इक्वल्स टू माइनस 35। अब ये दो इक्वेशंस, मतलब 2 को तो 3 बना दिया, तो अब 1 और 3 को देखना है हमको। 1 और 3 में दोनों 5m है, लेकिन कोएफिशिएंट्स के साइन सेम है, तो अगर साइन सेम है तो ऐड करेंगे तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। तो ऐड नहीं करना है हमको, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे माइनस 30n है, तो अगर इधर नीचे ये इक्वेशन आएगा माइनस 30n, तो ये प्लस बन जाएगा। तो हमने ऊपर फर्स्ट इक्वेशन लिखा और थर्ड इक्वेशन यहाँ लिखा और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम सबकी साइन चेंज हो गई है, प्लस है तो माइनस बन गया, माइनस प्लस, और ये माइनस भी प्लस। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, 5m माइनस 5m, माइनस 3n प्लस 30n। अब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन जब है माइनस प्लस में, तो कैसे करना है हमको, दोनों साइन अलग है, माइनस 3n है माइनस साइन है, और प्लस 30n है मतलब प्लस साइन है। तो अगर साइन अलग होगी तो हमको सब्ट्रैक्ट करना है, एक प्लस है एक माइनस है मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों प्लस है तो ऑफकोर्स एडिशन है, 3 प्लस 30, ये याद रखना, ये जो फॉर्मूला है, ये जो रूल है वो याद रखना है कि दोनों की साइन सेम है। अगर माइनस 3n माइनस 30n होगा तो भी हम ऐड करेंगे, तो 30 प्लस 3 माइनस 33 आता है उसका आंसर। यहाँ पे क्या है, माइनस 3n प्लस 30n, और हमेशा बड़े नंबर की साइन। तो हमने सब्ट्रैक्ट तो कर दिया, 30 माइनस 3 मतलब 27, फिर दोनों में से बड़ा नंबर है 30, 30 की साइन क्या है, नहीं साइन प्लस, तो हम प्लस साइन रखेंगे, मतलब ये 27n है। और ये क्या है, 19 प्लस 35, है ना, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाती है, तो 19 प्लस 35 होता है 54। तो 27n इज इक्वल टू 54, मतलब n इज इक्वल टू 54 अपॉन 27, मतलब 27 टूज आर 54 होता है, तो n इज इक्वल टू 2। तो ये है, तो अभी n इज इक्वल टू 2 मिल गया, तो हमको m ढूंढना है, तो इसको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में। तो ये m की वैल्यू ढूंढनी है, तो ये इजी इक्वेशन 2 होगा, तो हम ये n इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो m माइनस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 7, 6 टूज आर 12, तो m माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 7। अब माइनस 12 को यहाँ लेके आएंगे तो प्लस 12 हो जाएगा, तो माइनस 7 प्लस 12। तो ये भी अभी कैसे, साइन अलग है मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, 12 माइनस 7 होता है 5, साइन बड़े नंबर की साइन, बड़ा नंबर 12 है प्लस है, तो m इज इक्वल टू 5। तो साइन में मिस्टेक्स नहीं करनी होती है सम्स में, इसीलिए ये रूल्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिल गया m और n सॉल्यूशन है, m का माइनस इक्वल टू 5.2। तो ये हो गया फोर्थ सम। आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपके सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स इजीली कवर हो जाएंगे, और ये पूरा कोर्स 6 मंथ्स में कंप्लीट होगा। हमारे जो इस दो पैटर्न्स में कोर्सेज बनाए गए, एक है स्टिम्युलस कोर्स और एक है बूस्टर कोर्स। तो आपको अगर सिर्फ एक्सप्लेनेशंस की जरूरत है तो हमारे स्टिम्युलस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में हेल्प की जरूरत है तो हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ आप साइंस कर सकते हैं जिसमें साइंस वन साइंस टू दोनों कवर होगा। सेकेंड कोर्स है बूस्टर कोर्स, जिसमें आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगा, क्योंकि सिर्फ एक्सप्लेनेशन सुनना, सिर्फ डाउट क्लियरेंस करना या टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स आपको हम वीडियो पे बता दें, उससे आपकी तैयारी पूरी नहीं होती, आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं फिफ्थ सम। यहाँ पे दो इक्वेशन है, 5x plus 2y is equals to minus 3, x plus 5y is equals to 4। तो अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कोएफिशिएंट्स, ये 2 और 5 है, यहाँ पे 5 और 1 है, तो जब 1 होता है तो इजी हो जाता है, तो हम इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बन जाएगा ये 5x, 5 5 20 5 4 5 20, 5x plus 25y is, ये नया इक्वेशन बन गया इक्वेशन 3, 2 बन गया 3। तो अब हम इक्वेशन 1 और 3 को देखेंगे, दोनों 5x 5x है, मतलब फिर से सब्ट्रैक्ट करना है हमको, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, बड़ा इक्वेशन ये है ना, 5x plus 25 is equals to 20, तो वो ऊपर लिखेंगे 3 वाला, और फिर इक्वेशन 1 को उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस का यहाँ प्लस हो गया, 5x minus 5x कैंसिल हो जाएगा, 25 minus 2 मतलब 23, और 20 plus 3 मतलब 23, तो y is equals to 23 upon 23, जो बन गया y is equals to 1। अब इसको सब्सटीट्यूट करना है, सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, तो ये इक्वेशन x ढूंढना है हमको, तो इक्वेशन 2 इजी है,
तो हम y इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में, x प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4, और 5 यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5, तो 4 माइनस 5. अब यहाँ पे जो है हमको एक प्लस से एक माइनस से ऑफकोर्स सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 और 5 का सब्ट्रैक्शन 1 आता है. बड़े नंबर की साइन मतलब 5 बड़ा नंबर है, इसकी साइन माइनस है तो माइनस 1 आएगा. साइन में मिस्टेक्स नहीं करना है, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1. तो सॉल्यूशन हो गया माइनस 1, 1 वाई 1 था, है ना. तो ये हो गया हमारा फिफ्थ सम. अब देखते हैं सिक्स्थ सम. यहाँ पे दो इक्वेशन है, 1/3x प्लस y इज इक्वल्स टू 10/3, और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 1/4y इज इक्वल्स टू 11/4. तो हम देख रहे हैं यार डिनोमिनेटर्स आ गए हैं, तो इनको हम डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं. कैसे? पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा, और यहाँ 3y आ जाएगा, और ये 10 का 3 भी, ये 3 कैंसिल हो जाएगा 10, तो ये हो गया x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, तो ये नया इक्वेशन बन गया, थर्ड इक्वेशन नाम दे दिया इसको. सेकेंड को भी ऐसे ही हमको दिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 4, तो ये 4 4 एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब 4 अपॉन 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1y ही बचा y, और ये 11 बचेगा, और यहाँ पे 2 4 जा 8 हो जाएगा. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4, तो नया इक्वेशन बनेगा 4. तो हम फिर ये 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, है ना, कोएफिशिएंट्स हमने चेंज कर दिए, तो ये हो गया 8x plus y is equals to 11. तो अभी x plus 3y is equals to 10, 8x plus y is equals to 11. अब ये समझो हमारे सवाल है, तो हमको एक एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ करना पड़ा 3 4 के साथ, अब हमको स्टार्ट करना है. तो कैसे करेंगे? फिर से कोएफिशिएंट्स देखना है हमको. एक है x प्लस 3y, ये है 8x प्लस y, तो ये 3 है, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, तो ये सेम हो जाएगा कोएफिशिएंट्स. तो हम इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगला और एक तरीका है, हम इक्वेशन 1 को 8 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन फिर 8 से बड़े बड़े नंबर आएंगे, आपकी मर्जी, आप वो भी करेंगे तो आंसर आएगा. ये हमने यहाँ पे 3y से किया है, तो 3 से किया है, तो ये हो जाएगा 8 3 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 33. तो ये फिफ्थ इक्वेशन बन गया. हमने इक्वेशन 4 को 5 बना दिया, तो अब 3 और 5 को देखना है. 3 और 5 को क्या देखना है? x प्लस 3y है, 24x प्लस 3y, दोनों प्लस प्लस 3y, मतलब ऐड करेंगे तो 6y हो जाएगा. ऐड नहीं करना है हमको, सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैंसिल हो जाएगा. तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? बड़ा इक्वेशन 5 पहले लिखेंगे, और वो वाला इक्वेशन 3 जो बाद में लिखेंगे. तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 5, तो ये क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं साइन चेंज की, 24 माइनस एक्स मतलब 23x, 3 ये कैंसिल हो गया, और 33 माइनस 10 23, x इज इक्वल्स टू 23/23, x इज इक्वल्स टू 1, सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल्स टू 1, वो भी हम कोई भी इक्वेशन में कर सकते हैं, 3 4 5, तो 3 वाला जो इक्वेशन है x 1 ये इजी है, तो x इज इक्वल्स टू 1 यहाँ डाल दिया, यहाँ पे भी डाल सकते हैं 4 में भी, तो y मिल जाएगा इजीली 8, 11 माइनस 8 हाँ 3, तो यहाँ पे भी हम जैसे x इज इक्वल्स टू 1 इक्वेशन 3 में भी डालते हैं, तो 1 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10, तो 3y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1 9, किसी में भी जाके आंसर वही आना है y is equals to 3. तो सॉल्यूशन हो गया x is equals to 1, xy is equals to 1.3. तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ सम. अब देखते हैं सेवेंथ सम. यहाँ दो इक्वेशन है, 99x plus 101y is equals to 499, 101x plus 99y is equals to 501. तो अब ये बड़े बड़े नंबर्स है, ये सेवेंथ सम इम्पोर्टेंट है, और ये ऑलरेडी हमने सॉल्व एग्जाम्पल्स में प्रैक्टिस सेट 1.1 से पहले देखा है, जो फर्स्ट वीडियो था उसमें ये किया हुआ है हमने. तो ये आपको इसका जो सॉल्व करने का तरीका है वो पता होना चाहिए. इसके अंदर हमको दोनों को इक्वल करने के लिए हमको एक इक्वेशन को 99 से और एक इक्वेशन को 101 से पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. बड़े बड़े नंबर्स लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा तरीका करने की जरूरत नहीं है. सिंपली ये सम सॉल्व हो सकता है, एकदम ये इक्वेशंस को हम एकदम इजी बना देंगे. कैसे? दो स्टेप्स होते हैं. जब कोएफिशिएंट्स जो है, जैसे आप देख रहे हैं 99 है, ये 101 है, और यहाँ पे उल्टा है, y के कोएफिशिएंट्स यहाँ ऊपर 101 है, नीचे 99 है. तो जब भी ऐसे सम्स आते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम ऐड करेंगे तो 99 प्लस 101 200 होता है, ये 101 प्लस 99 भी 200 होता है. तो जब ऐसे सम्स होते हैं तो हमको दो स्टेप्स करने, मतलब इक्वेशन 1 2 को हम नए इक्वेशन बनाएंगे 3 4. कैसे? एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. तो ये हमने 1 एंड 2 को लिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो ये आ गया 200x plus 201y is equals to 499 plus 501 which is 1000. तो अब क्या करोगे? यहाँ पे दिख रहा है, हम एंटायर इक्वेशन को 200 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 200 कॉमन है, 1000 भी 200 5 टाइम्स करेंगे तो 1000 आ जाएगा, तो x plus y is equals to 5 आ जाएगा. तो ये हमारा बना नया इक्वेशन 3.
तो 1 और 2 को हम 3 और 4 बनाएंगे। फोर्थ क्या होगा, मतलब एक बार ऐड करना है दोनों को और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाले दो इक्वेशंस, एक्चुअल इक्वेशंस 1 एंड 2। तो 101x और 99x है, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइंस चेंज हो जाएगी, तीनों माइनस हो गया। 101 माइनस 99 मतलब 2, तो 2x, 99 माइनस 101 वापस 2, लेकिन बड़े नंबर की साइन। तो 101 माइनस 99 तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, हमको पता है, लेकिन छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करना है तो माइनस साइन आएगी, बड़े नंबर की साइन आएगी। तो 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 501 माइनस 499 अगेन 2, तो 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। इसको भी हम पूरे इक्वेशन में 2 कॉमन है तो निकाल देंगे, तो ये बन गए x माइनस y इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा इक्वेशन 4 बन गया। मतलब हमने इक्वेशन 1 और 2 तो था, उनको हमने इक्वेशन 3 और 4 में कन्वर्ट कर दिया। एक बार ऐड करके एक इक्वेशन आया ये इक्वेशन 3, और एक बार सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन आया इक्वेशन 4। तो हमारे दो इक्वेशंस क्या है, x प्लस y इज इक्वल्स टू 5 और x माइनस y इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें तो कोएफिशिएंट सेम ही है, प्लस वाई माइनस वाई सीधे सीधे ऐड करेंगे तो मिल जाएगा। तो दोनों को इक्वेशंस को ऐड करना है, तो 2x इज इक्वल्स टू 6 आ गया, तो x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2 मतलब x इज इक्वल्स टू 3। अब x इज इक्वल टू 3 मिल गया तो उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दोनों में से कोई भी इक्वेशन में, 3 या 4 में। तो हम इसमें डाल रहे इक्वेशन 3 में, तो 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 5, तो y इज इक्वल्स टू 3 इधर आ जाएगा, तो माइनस 5 माइनस 3 मतलब 2, तो y 2 आ गया। तो x और y है 3, 2। सिंपल सम है, कोई भी बड़े बड़े कैलकुलेशंस नहीं है, कोई भी लंबे लंबे मल्टीप्लिकेशंस नहीं है, इजीली ये सम सॉल्व हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट सम, 8th सम। तो 7th सम जैसा ही ये सम भी है, देखिए 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172, 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252। तो वही है, कोएफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं, तो एक बार ऐड करना है एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब ऐड करेंगे तो 49 प्लस 57 आ जाता है 106, तो 106x, और ये दोनों दोनों माइनस है, तो दोनों मतलब जब दोनों की साइन सेम है, माइनस 57 माइनस 49, तो जब साइन सेम है दोनों प्लस है या दोनों माइनस है तो दोनों नंबर्स को ऐड करना है, और बड़े नंबर की साइन दोनों माइनस है तो माइनस साइन ही आनी है। मतलब ये आप समझ लो ऐसा होता है कि उधारी है, माइनस 57 की उधारी है आपकी और माइनस 49 की उधारी है, तो टोटल उधारी कितनी होगी, तो ऐड ही होगा, सब्ट्रैक्ट करके तो उधारी नहीं आएगी, दोनों नेगेटिव में तो नेगेटिव में ही रहेगा और बड़ा हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करना है और माइनस साइन आएगी। बड़े नंबर की साइन हमेशा अप्लाई करती है, तो दोनों सेम है तो बड़े नंबर, तो दोनों की साइन माइनस है तो माइनस साइन ही आनी है ऐसा। तो 106x माइनस 106y इज इक्वल्स टू, इन दोनों को भी ऐड करना है, तो ये हो गया 424। अब 106 के टेबल में 424 आएगा, 6 4 24 और 4 1 4 तो 4 टाइम्स में, तो डिवाइडिंग एंटायर इक्वेशन बाय 106, तो ये हो गया x माइनस y इज इक्वल्स टू 4। तो ये एडिंग से बन गया हमारा नया इक्वेशन, इक्वेशन 3। अब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हमने 57x ऊपर लिखा है और 49x वाला इक्वेशन नीचे लिखा है इक्वेशन 1, और अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगी, मतलब ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, या माइनस है तो प्लस, ये प्लस ही है तो माइनस। तो 57 माइनस 49 होता है 8, और ये है माइनस 49 प्लस 57, तो अब साइन अलग है मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर 8 आएगा, और बड़े नंबर की साइन मतलब 57 की साइन, तो नई साइन प्लस है तो प्लस, तो 8x प्लस 8y और ये है 80। सब्ट्रैक्ट करेंगे 252 माइनस 172 इज 80, तो 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 80। इसको पूरा इक्वेशन को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो बन जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 10। ये बन गया हमारा इक्वेशन 4। तो अब हमको सॉल्व करना है इक्वेशन 3 एंड 4। तो बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशन नहीं करने, ये दो इक्वेशन देख के, इन दो इक्वेशन को देख के हमको इनको जो है सब्ट्रैक्ट करना है, एड एक बार ऐड करना है एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये अभी x माइनस y इज इक्वल टू 4, x प्लस y इज इक्वल टू 10, तो एक माइनस y एक प्लस y ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 और 4 को ऐड कर लेते एक बार, तो ये आप देखते हैं 2x इज इक्वल टू 14 आ गया, मतलब ऑफ कोर्स x इज इक्वल टू 7। अब x इज इक्वल टू 7 को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 3 या 4 किसी में भी, 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, x प्लस y इज इक्वल टू 10 है तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 7 प्लस y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 7, y इज इक्वल टू 3, तो आ गया सोल्यूशन 7, 3, x इज 7, y इज 3। तो ये हो गई हमारी पूरी एक्सरसाइज। अब एक और चीज हम देखेंगे, लास्ट 2 इयर्स के पेपर्स के क्वेश्चंस, 2019 बोर्ड पेपर और 2020 बोर्ड पेपर, दोनों में सवाल आए थे, दोनों सवाल यही टाइप के थे, ऐसे वाले सवाल जहाँ पे इक्वेशन 1, 2 के ये जो कोएफिशिएंट्स है ऐसे है और सिंपल नंबर्स थे, तो आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते थे, और सॉल्व सॉल्यूशन क्या मांग रहे थे, x की वैल्यू y की वैल्यू नहीं, x प्लस y,
मतलब एक सिंपल स्टेप से वो आ जाएगा। तो हम वो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ये 2019 का पेपर है, क्वेश्चन 1A, सॉल्व एनी 4, एक एक मार्क के सवाल है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा ये एक्सरसाइज 1.1 का सवाल है। अब देखिए सवाल क्या है, इफ 3x plus 5y is equals to 9 and 5x plus 3y is equals to 7, then find the value of x plus y। मतलब 3x plus 5y 9, 5x plus 3y तो हमको दिख रहा है ये कैसा है, 3 और 5, 5 और 3, मतलब कि दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 plus 3, 8, 8x plus 8y is equals to 9 plus 7, 9 plus 7 is 16, तो 8x plus 8y is equals to 16 हो जाएगा ये, मतलब adding equation 1 and 2 करना है हमको, तो 8x plus 8y is equals to 16, पूरा equation को 8 से divide करेंगे तो आ जाएगा x plus y is equals to 2, तो यहाँ पे वही एक मार्क का सवाल है, find the value of x plus y, तो दोनों equations को ऐड करना है, x plus y is equals to 2, तो ये एक मार्क का सवाल है, ये 2019 बोर्ड पेपर का सवाल है, ये एक ही सवाल एक्सरसाइज 1.1 से आया था। बाकी आते ग्राफ के सवाल भी आते हैं, डिटरमिनेंट्स के सवाल भी आते हैं जो आगे की एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज से ये एक सवाल है। फिर ये है बोर्ड का पेपर 2020 का, यहाँ पे भी एक सवाल है एक्सरसाइज 1.1 से, प्रैक्टिस सेट से, तो यहाँ पे आप देख सकते ये सवाल है, चार सवाल है, चार मार्क्स के, मतलब हर एक सवाल एक एक मार्क का है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, 15x plus 17y is equals to 21 and 17x plus 15y is equals to 11, तो दोनों में आप देख सकते हैं कोएफिशिएंट इंटरचेंज होता है, यहाँ पे भी वही पूछा है, 2019 में भी ऐसा ही सवाल था, 2020 में भी ऐसे ही टाइप का सवाल पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x plus y, तो हो सकता है 2021 में हमको ऐसा सवाल आया कि जो हमारे जो है पूरा साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने को आए, जो एक्चुअली इजी सवाल हो जाएगा, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो और 3-4 मार्क्स ला सकते हो, तो वो ज्यादा मार्क्स का सम होगा। तो ये देखो अब 15 और 17 है, तो x plus y ढूंढना है, मतलब दोनों इक्वेशंस 1 और 2 को ऐड करेंगे, 15 plus 17 कितना होता है, 32, तो 32x, ये भी 17 plus 15 भी 32y is equals to 21 plus 11 is again 32, तो 32 ऐड करेंगे दोनों को तो आएगा 32x plus 32y is equals to 32, dividing whole equation by 32, तो x plus y is equals to 1, तो y x plus y की वैल्यू मिल गई, ये एक मार्क का सवाल है, तो ये सवाल आए थे। तो यही है, इससे प्रैक्टिस सेट 1.1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे एक प्रैक्टिस सेट 1.2 जो ग्राफ का है, वो इम्पोर्टेंट है, हम वो डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट्स।